शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को हुआ था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तथा परिनिर्वाण हुआ था। इसी वजह से इस दिन पूजा पाठ यज्ञ हवन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इसी दिन किसी भी पवित्र सरोवर या गंगा यमुना नदी में स्नान करके दान पुण्य का काम करने का विशेष महत्व शास्त्रों ने बताया है। इस दिन जल से भरे घड़े, घी, तिल तथा स्वर्ण का दान शुभ फलदायक माना जाता है। आज ही के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा भी है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने से, पूजा करने से मानसिक शांति तथा घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य, यज्ञ हवन, पूजा पाठ, जप तप करने और गरीबों को खाना खिलाने के साथ साथ गौ तथा जानवरों को जल पिलाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए इस दिन सात्विकता का विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के दिन मांस मदिरा से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को ही बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान को प्राप्त किया था, तभी से ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद खीर पीकर ही अपना व्रत खोला था, इसी वजह से इस दिन भगवान बुद्ध को खीर का प्रसाद जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्वयं को स्नान आदि से पवित्र करके पूजा स्थल पर बैठ जाना चाहिए तथा भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। इसके लिए भगवान विष्णु और माता पार्वती को शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र, हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत, अबीर, गुलाल, पुष्प, फल, फूल, मिष्ठान अर्पित करके धूप दीप दिखाकर प्रार्थना करें तथा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती भी उतारें। सुख समृद्धि के लिए तथा माता लक्ष्मी की कृपा के लिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन जल से भरे कलश तथा जौ, गेहूं, घृत, तेल आदि का दान गरीबों अर्थात उन लोगों को करें जिनको इन वस्तुओं की ज्यादा जरूरत है। जल से भरे घड़े के साथ साथ अगर जीवों को जल पिलाते हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन सत्यनारायण व्रत की कथा करें और रात में माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। उसके बाद सात्विक रूप से दिन भर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करते रहें।